खबर बस्तर जिले से है, जहां आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने नक्सली घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि आईजी पी सुंदर राज ने कहा, अब तक 29 सीपीआई नक्सली कैंडरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सभी घायल सुरक्षा कर्मियों को इलाज चल रहा है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ों में से एक के रूप में देखा जा सकता है। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकर के थाना छोटेपेटी क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के सीनियर डीबीसी कैडर्स का उपस्थिति का आसूचना पर डीआरजी कांकर एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरगुटा इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में री एनफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी।